शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को अपनी बैठक में पंजाब शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से सिखों व सिख गुरुओं का इतिहास निकालने के कदम की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अभी तो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, इसके बाद आगामी 7 मई को स्वर्ण मंदिर परिसर स्थित तेजा सिंह समुद्री हॉल में आयोजित बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये मता पास किया गया है जो पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों 12वीं की जमात के विचों गुरु साहबान का इतिहास निका कढ़ता और इस तरह साढ़े योध्या का इतिहास कढ़ता, बंदा सिंह बहादुर का इतिहास कढ़ता, मिसलों का इतिहास कढ़ता, पंजाब का जिन्ह ने पंजाबियों एडे बड़े कुरबानियां कीतियां सारा ही इतिहास वो गायब कर दिता है। वो असी बड़े विस्तार जो है विचार वटांदरा किया। सो ये असी आने वाली 7 तरीक न तेजा सिंह समुद्री हाल जिहड़ा साडा श्री अमृतसर विखे सारे मैंबर साहबाना की धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर साहबाना की मीटिंग बुलाई है, उत्थे पूरा विचार वटांदरा किया जाएगा, सारे तो सारी राय लैके अगली जिहड़ी रणनीति तेजा सिंह समुद्री हाल विखे और तय की जाएगी। भागी गल है पहला भी कह रहे हैं कि उसनों अपना अड़ियल वतीरा छड़ के जो दयाल सिंह कॉलेज जिहड़ा बड़ा पुराना है, जिहदी बड़ा इतिहास है, बड़ा उन्हें कुरबानी की इस बात पर और चिट्ठी भी लिखी है सरकार को भी उन्होंने तुरंत जिहड़ा वो जिहड़ा नाम नवा रखने खत्म किया। सारी सब कमेटी बनी, साडी अंतर कमेटी दा सारा फैसला उहदे तहत सारा वो फैसला होया।